ओके जल्दी से लिख लो ये। सर इसकी अब रिकॉर्डेड सर लिख दिया सर लिख दिया लिख लिया। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बाद में भेजूंगा बेटा, पहले अभी इस पे ध्यान दे दो। हो गया? ओके सर डन सर डन डन। वेरी गुड बेटा, मैंने गूगल क्लासरूम पे कुछ होमवर्क दिया था राइट, वो कंप्लीट कर लेना है। बहुत पहले दिया था फिर भी बहुत लोगों का बाकी है। प्लीज कंप्लीट दैट टिल नेक्स्ट लेक्चर। ओके उससे पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। सर अब आगे बढ़ते हैं। सर वापिस कोई दिया? वेरी गुड। नहीं नहीं वापिस नहीं दिया, वही पुराना है। ओके चलो आगे लिखे। ओके आगे लिखते चलो। सो ये तो हमें न्यूमेरिकल करना समझ में आ जाएगा। ओके अब आगे करते हैं, इसमें लिखो एब्सोल्यूट स्केल। हाँ हो गया, वेरी गुड। लिखो एब्सोल्यूट स्केल, ऐसा लिख लो, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। यस दिस इज न्यू टॉपिक। बेसिकली जो केल्विन स्केल है उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर का मतलब होता है केल्विन स्केल। ओके चलो। सो बेटा एक सिंपल चीज तुमने अभी तक नोटिस की होगी, जैसे लास्ट अभी टॉपिक में दिखता हूँ, जैसे ये वाला, ये जो मैंने लास्ट सेंटेंस लिखा जो बॉक्स के अंदर है, इसके अंदर देखो एक चीज नोटिस करो, फारेनहाइट सेल्सियस एंड केल्विन, ये तीनों में लिखने में एक चीज देखो कुछ डिफरेंस है तीनों का। क्या डिफरेंस है देखो, फारेनहाइट सेल्सियस एंड केल्विन लिखने में मैंने कुछ डिफरेंस क्रिएट किया है, देखो क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? डिग्री का डिफरेंस है राइट? यस सर। डिग्री का साइन कहाँ पे नहीं ड्रॉ, कहाँ पे नहीं बनाया मैंने? केल्विन में नहीं बनाया। ओके फारेनहाइट एंड सेल्सियस में डिग्री होता है, बट केल्विन के ऊपर कभी भी डिग्री नहीं होता है। अगर मैं लिखूं कि डिग्री केल्विन तो इट इज रॉन्ग। ओके डिग्री केल्विन कभी नहीं लिखते। समझ में आया? यस सर। समझ में आ गया। सेल्सियस एंड फारेनहाइट के आगे डिग्री लगता है, बट जो केल्विन स्केल है इट डजंट हैव एनी सिंबल ऑफ डिग्री। तो ऐसा क्यों होता है? ओके तो उसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है, ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल जो डेवलप हुई वो कैसे डेवलप हुई, कोई बता सकता है? सेल्सियस फारेनहाइट स्केल में क्या हमने डेवलप कैसे की थी, स्केल को याद करो, स्केल कैसे डेवलप की थी? मैंने पढ़ाया था लास्ट टू लास्ट लेक्चर, स्केल कैसे डेवलप हुई है। बेटा वीडियो ऑन रखो सब लोग। स्केल कैसे डेवलप की थी? सर वो वाला तीन साइंटिस्ट यस वही वाला, वेरी गुड जैनल। कैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था वो, कैसे किया था उसमें? सर तीन साइंटिस्ट थे, केल्विन सेल्सियस और फारेनहाइट। उन्होंने मतलब एक बकेट ली थी, उसमें आइस क्यूब्स डाले थे और फिर उसको मेल्ट होने दिया। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बेटा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ अभी। सर अटक अटक क्या आ रही थी अभी पहले? ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं। यस बोलो कंटिन्यू करो। यस सर फिर उन आइस क्यूब बकेट में आइस क्यूब लिए और फिर उनको मेल्ट होने दिया। फिर जो तीनों ब्लैंक थर्मोमीटर्स थे उनको एक ही बकेट में उनका टेम्परेचर मेजर किया और फिर मैं इसको 0 डिग्री बताऊंगा और फारेनहाइट में 32 बताया। फ्रीज होता है और फारेनहाइट ने बोला कि वाटर कितने पे फ्रीज होता है, 32 डिग्री। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, इसको जीरो ही क्यों बोला? वाटर जिस टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है उसको जीरो क्यों बोला, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। समझ में आया? सेल्सियस का मन किया तो उसने जीरो बोल दिया, फारेनहाइट का मन किया तो उसने बोल दिया 32। सिमिलरली वाटर जब बॉयल हो रहा है तो सेल्सियस ने उसको 100 बोला जबकि फारेनहाइट ने उसके 212 बोला। क्यों बोला नहीं पता। आया समझ में? मतलब क्या है,
जो सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल डेवलप हुई उसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। एनी डाउट? कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, उसने अपने मर्जी के हिसाब से इस तरह से उसने बना दिया। बट केल्विन ने थोड़ा सोच के बनाया था। भले ही मैंने थर्मोमीटर में केल्विन का भी ऐसा रिलेशन बताया, पर केल्विन ने जो 273 लिया और 373 लिया उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक था। ओके, तो वो लॉजिक देखते हैं कि लॉजिक क्या है। कोई डाउट यहाँ तक मैं जो बोल रहा हूँ? नो डाउट सर, नो डाउट। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, एक बात बताओ, ये टेम्परेचर है वो एक्चुअल में क्या है? टेम्परेचर एक्चुअल में क्या है सर? तो हम कोई चीज मेजर कर सकते सर, टेम्परेचर कोई चीज कितनी गर्म या कितनी ठंडी है वो पता कर सकते हैं। ओके, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, या फिर वो मैं बोल सकता हूँ कोई चीज कितनी गर्म है कितनी ठंडी है वो टेम्परेचर से पता कर सकते हैं। दूसरी चीज, केल्विन साइंटिस्ट है? यस बेटा, केल्विन इज आल्सो साइंटिस्ट, लॉर्ड केल्विन इज द टोटल फुल नेम। ओके चलो, सो मैं ये बोल रहा हूँ बेटा टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर की पहली डेफिनेशन तुमने देखी कि हाउ हॉट और हाउ कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स टेम्परेचर। बट दूसरी चीज हमने देखी थी, अगर याद है तुम लोगों को, हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर जो है वो जो मॉलिक्यूल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी दिखाता है, ऐसा पढ़ाया था। yes, sir. Okay, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। yes, sir, अगर वो ज्यादा टेम्परेचर पर होंगे तो उसके मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, कम टेम्परेचर पे होंगे तो वाइब्रेशन कम होगा, ये बताया था मैंने। yes, तो टेम्परेचर एक्चुअल में क्या दिखाता है? टेम्परेचर क्या दिखाता है एक तरह से, क्या दिखाता है? वाइब्रेशनल एनर्जी। आ गया समझ में? yes, अब एक बात बताओ, जब मैं बोल रहा हूँ, नहीं अभी कुछ मत लिखो, जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर किसी का जीरो है, अगर मैं सोच के बताओ तुम लोग कि अगर मैं बोलूँ कि किसी का टेम्परेचर जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होना चाहिए? अगर टेम्परेचर का जीरो है, नो कोल्ड तो है वो तो पता है, बट मतलब क्या होगा? जो मैंने ये भी डेफिनेशन जैसी बताई उसके साथ कनेक्ट करके मतलब बताओ। अगर टेम्परेचर जीरो है तो उसका मतलब क्या होना चाहिए? अरे सोचो बेटा, टेम्परेचर क्या है पहले ये बताओ। व्हाट इज टेम्परेचर? इट इज फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर जीरो है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? सर मॉलिक्यूल्स ज्यादा वाइब्रेट हो रहे हैं। नो सर, काम डाउन, मॉलिक्यूल्स कम वाइब्रेट हो रहे हैं। अगर टेम्परेचर जीरो है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी है ये भी जीरो हो जाए, तभी तो मैं बोल सकता हूँ टेम्परेचर जीरो है। आया ना? क्योंकि टेम्परेचर दिखाते क्या है? वाइब्रेशनल एनर्जी दिखाते है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जीरो है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? कि उसके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? पार्टिकल्स जो है, मॉलिक्यूल्स जो है, वो क्या करेंगे? एक ही जगह फ्रीज हो जाएंगे, बाकी जनरली वाइब्रेट करते थे, बट जब जीरो टेम्परेचर पे ले जाऊंगा तब क्या होना चाहिए? फ्रीज हो जाने चाहिए। समझ में आ रहा है? तो केल्विन ने ये सोचा कि जिस टेम्परेचर पे सारे मॉलिक्यूलर्स फ्रीज हो जाए उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे जीरो डिग्री, सॉरी डिग्री नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? जीरो केल्विन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समझ में आया सबको? केल्विन ने क्या सोचा? थोड़ा साइंटिफिकली सोचा बोल सकता हूँ, केल्विन साइंटिफिकली सोच रहा था ऐसा बोल सकते हैं, राइट? समझ में आ रहा है? कोई डाउट? नो सर। चलो सो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? एब्सोल्यूट जीरो का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट के सारे पार्टिकल जो है वो क्या है, रेस्ट पे है। ओके सो ये लिखना है, एज वी नो दैट टेम्परेचर रिप्रेजेंट्स द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट वाइब्रेशनल स्पीड इंक्रीजेस,
Whereas if we decrease the temperature, vibrational speed decreases. The temperature at which vibration motion of molecules freezes is called absolute zero temperature. बोलो बेटा सर ये लिखना चालू करना है हाँ लिखना चालू करना है ओके सर सर हमें ऊपर वाला लिखना है ये टेम्परेचर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन नहीं चलेगा नहीं चलेगा चलेगा वो पहले भी लिखा हुआ है ना और नीचे का जो है वो वही दिखा रहा है तो डायरेक्ट नीचे का लिख लो सर ये भी वी नो से लेके पूरा लिखना है यस वी नो से पूरा लिखना है यस यस निखिल तुमने रीजन किया कुछ डाउट नो सर कुछ डाउट तो नहीं है सर जो मेरे मामा है ना हाँ उनने एमएससी की फिजिक्स की टेक्स्ट बुक राइट की है ओके वेरी गुड तो बताओ आगे बस सर इतना ही बोलना था ओके ओके वेरी गुड क्या नाम है मामा का डॉक्टर पीएम व्यास आवाज नहीं आ रहा निखिल तुम्हारा पूरा डॉक्टर पीएम व्यास ओके वेरी गुड सो तुम उनसे पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो सर मेरे मामा इधर नहीं है तो कहाँ पे है सर वो राजकोट में अच्छा अच्छा तो मामा से भी कुछ लेक्चर लेते रहना कभी कभी ओके ओके सर ओके चलो लिखो जल्दी से ये सब लोग लिख लो सर मैं एक्चुअली हो गया था मेरा कनेक्शन चला गया था बोर्ड पे जो दिख रहा है वो लिखना है बेटा ओके ओके सर ओके सो जीरो केल्विन समझ में आया ओके सो बेसिकली हुआ क्या बेटा सेल्सियस एंड फारेनहाइट के अंदर हम लोगों ने अजम्पशन लिया था बट केल्विन ने क्या किया टेक्निकल मेथड से साइंटिफिक मेथड से टेम्परेचर निकाला दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल ओके यस सर सर डन चलो डन वेट आगे बढ़े यस सर डन यस नो सर नॉट डन सर ओके ओके लिख लो आराम से लिख लो सर कंप्लीट सर कंप्लीटेड सबका हो गया चालू कर नो सर यस काव्य जल्दी लिखो सर डन सर डन ओके वेरी गुड हो गया आगे बढ़े ओके यस चलो यस नेक्स्ट लिखो हीट ट्रांसफर नेक्स्ट हेडिंग डालो मेरा बाकी है बेटा स्क्रीनशॉट ले लो ओके साहिल टेक अ स्क्रीनशॉट डन Yes. चलो नेक्स्ट हम लिखेंगे हीट ट्रांसफर
तो हीट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? हीट ट्रांसफर का मतलब, अब सबको पता बेटा हीट जो है, जैसे हमने सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के टाइम पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया था कि अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे हॉट टी है, ओके मेरे पास यहाँ पे हॉट टी है और मान लो यहाँ पे मेरे पास एक कोल्ड ड्रिंक है, ओके मान लो यहाँ का टेम्परेचर कोल्ड ड्रिंक का है 25 डिग्री सेल्सियस, ओके और जो रूम का टेम्परेचर है जहाँ पे रखा है वो है मान लो 35 डिग्री सेल्सियस और हॉट टी का टेम्परेचर है, एक मिनट बेटा, ओके बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस स्लाइड का, ओके स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना सर, वो मैं ले लूं पर मेरा जो स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है ना वो हैंग हो गया है। ओके ओके कोई बात नहीं, तो लिख लो जल्दी से, चलो सर बस लास्ट लाइन पे ही हूँ मैं। वेरी गुड वेरी गुड, लिख लो लिख लो, ओके लिख लो जल्दी से सर, कैन आई ऑफ द वीडियो? ओके चलो आगे बढ़े सर, ओनली वन मिनट, ओके सर, यस हो गया, थैंक यू सर, ओके चलो। तो बेटा हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि अगर मान लो हॉट टी है 50 डिग्री पे, रूम टेम्परेचर है 35 और कोल्ड ड्रिंक है 25 पे, थोड़ी देर बाद क्या होगा? मान लो 1 आवर के बाद वापस आए तो क्या होगा? 1 आवर के बाद वापस आएंगे तो क्या होगा, बताओ जल्दी से कोई। सर 1 आवर के बाद आएंगे तो सर रूम टेम्परेचर हो जाएगा, सारे लोगों का रूम टेम्परेचर आ जाएगा, मतलब हॉट टी जो है। हाँ बोलो आस्था सर, जो हॉट टी होगी वो रूम टेम्परेचर पे आने वाली, और कोल्ड ड्रिंक वो भी रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। मतलब क्या हुआ, हॉट टी का टेम्परेचर कम होगा। हॉट टी का टेम्परेचर कम हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कब कम होता है? जब उसमें से हीट ले ली जाए, राइट? सो इसका मतलब हॉट टी में से हीट क्या होगी, बाहर निकलेगी, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, ओके बाहर निकल जाएगी हॉट टी में से हीट जो है वो बाहर चली जाएगी, हाँ या ना? यस सर, ओके। और कोल्ड ड्रिंक का क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक भी 35 पे आ जाएगी, इसका मतलब yes, क्या हुआ, कोल्ड ड्रिंक से गर्म हो रही है, हीट मिल रही है तभी गर्म होगा, तभी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब कोल्ड ड्रिंक के पास हीट मिल जाएगी, ओके तो हीट का देखो कहां से कहां हो रहा है, हीट कहां से कहां फ्लो हो रही है, सो आई कैन से हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम 50 डिग्री टू 35 डिग्री एंड देन हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम 35 डिग्री टू 25 डिग्री, मतलब हमेशा हीट कहां से कहां फ्लो करती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हीट का फ्लो हो रहा है, तो ये जो हीट का फ्लो हो रहा है दैट इज नोन एज हीट ट्रांसफर। हीट के फ्लो को क्या कहते हैं, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर। तो ये हीट ट्रांसफर कैसे होती है वो हम अभी पढ़ने वाले हैं, आया समझ में? यस सर। हीट ट्रांसफर कैसे होती है वो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कोई डाउट? नो डाउट। तो पहले लिखो द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी इज नोन एज हीट ट्रांसफर। एंड हीट का ट्रांसफर होने के 3 मेथड है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सर आई टू राइट दिस, यस बेटा लिखना है, ओके सर। सर आपने टेम्परेचर की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी।
सर ये रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब पे रखने वाले हो? सर यू आर म्यूटेड. सर कंप्लीटेड. सर वेट यू. बेटा सबने लिख लिया यहाँ? नो सर. नो सर वेट लास्ट. ओके लिख लो लिख लो. सर आपने फर्स्ट टेम्परेचर की स्पेलिंग रॉन्ग. कौन सी बेटा? सर आपने हायर टेम्परेचर. हायर टेम्परेचर में सर टी. अच्छा एम नहीं है. ओके ओके हायर टेम्परेचर लिख लो जल्दी सर. क्या बोल रहे हो बेटा? इतना लिखना है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका. सर मैं लास्ट लाइन पे हुई. ओके लिख लो. सर लिख दिया. ओके वेरी गुड. सो बेटा हम लोग इसके बाद का जो है कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन नेक्स्ट क्लास में करते हैं. ओके चलो बाय बाय. बाय 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 बाय. होमवर्क कंप्लीट कर लेना जो दिया था. बाय 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 बाय.